यहां क्या सिखा के जा रहा हूं और मैं इंप्लीमेंट घर क्या करूंगा, मैं घर में भी यूथ डेवलप हो रही है मेरी, मेरा रोल यूथ को डेवलप करना। यहां पे भी अगर आया है, यहां पे 2-3 घंटे के लिए आया ना, वहां पे तो लाइफ का है, ठीक है ना, इसको कैसे लेकर चल रहा होता हूं। ये पढ़ो कोई, कोई और पढ़ दे, आप पढ़ दो। वी कैन इजीली इंक्रीज आउट डेप्थिंग अबव द अबव थ्री एरियाज और एटीट्यूड डिटरमाइंड और डायरेक्शन ऑफ लाइफ। हमारा रवैया हमारी डायरेक्शन कर देता है। बेशक हम मीडिया साइंसेस में हमने मास्टर्स किया, सोच के ये किया था कि हम जो है ना जियो टीवी में चले जाएंगे, एआरवाई में चले जाएंगे, मगर स्किल क्या डेवलप हो गई आपकी, या मैं तो आर्टिकल राइटिंग में चला गया हूं, या मैं क्राइम ब्रांच में चला गया हूं, या मैं वो क्राइम रिपोर्टिंग में चला गया, स्पोर्ट रिपोर्टिंग में चला गया। ऐसी है, जब मैं सोशियोलॉजी में 96-98 में मास्टर्स कर रहा था तो मेरे जहन में ये था मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर बन जाऊंगा, प्रोबेशन ऑफिसर बन जाऊंगा, ये जेल में ऑफिसर बनता मैं वो चला जाऊंगा, बस मेरे पास 3 लाइनें थी। जब मैं बाहर मास्टर्स करके बाहर आया तो एनजीओ सेक्टर बढ़ना शुरू हो गया पाकिस्तान। वो नौकरी थी 4,000 की, पहली नौकरी मुझे मिली 12,000 की। मैंने एक सरकार को किया खुदाफिज, मैंने कहा सरकार में कौन झक मारेगा, जाना एक घर में सरकारी बंदा देख रहे ना बगी शक्ल में, मैंने कहा चलो इस सेक्टर को अपनाते हैं। तो फिर मेरा रुझान वहां पे जाना शुरू हो गया ना, मैं भी उस 22-23 साल का नौजवान था ना, वो 22-23 साल का नौजवान और आज 45 साल का जवान, ठीक है, नौजवान नहीं जवान, ठीक है ना, वो का फर्क आ गया और वो एक लाइन ऑफ एक्शन डेवलप हो गया आपका ना, आपका एटीट्यूड करता है। और अगर मैं उस पहले सेशन में जो मैंने रावलपिंडी में स्कूल में दिया था, अगर मेरा माइंड शेक कर जाता और मैं परेशान हो जाता और मैं अपने सीनियर को कहता कि मालिक भाई अब मैं सेशन नहीं दे सकता, मुझे नहीं करना आता, शायद मेरी लर्निंग उसी दिन ब्लॉक हो जाती और आज मैं इस मुकाम पे ना होता, मैं 1,000 ट्रेनिंग्स ना दे चुका होता पाकिस्तान, ठीक है। मैंने अपने रवैये को पॉजिटिव रखा, अपने पेशेंस को सामने रखा, मैं अपनी प्रेजिंग नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूं एक चीज को ना, आपने अपने अपने फोकस सामने रखना है यार, तो आगे बढ़ोगे। फहद फवा फहद मुस्तफा का इश्तियार सिर्फ देखना है, उसमें घुसने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है ना, वो अदाकारा है, वो अदाकार है, वो कुछ भी कर सकता है। जी, कंट्रोल ऑन योर जज्बात इमोशंस। मैंने 97 में जब यूनिवर्सिटी में दाखिले में पंजाब यूनिवर्सिटी लाइक कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की दो यूनिवर्सिटीज हैं जिसके दरमियान से नहर गुजरती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और एक पंजाब यूनिवर्सिटी है, और नहर के ना उस तरफ डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के बराबर में बॉयज हॉस्टल है। आप देखो जज्बात तो तैर तूर के पता नहीं कहां से कहां निकल आते हैं जो ना। तो वहां पे पहला दिन था मेरा, पहला दिन मुझे मेरे सीनियर ने बात बताई, हसन देख तू है टीचर का बेटा, प्रोफेसर का दूसरी यूनिवर्सिटी, तुम आए हो इस यूनिवर्सिटी में, डेफिनेट 10 प्रोफेसर तुम्हारे अब्बू को यहां पे भी जानते हो, ये सुनो ये तुम्हारा 2 साल का सेशन है ना, ये ट्रेन है, ये जो कुड़ियां छोपियां वो नजर आएंगी ना वो स्टेशन है, थोड़े ना स्टेशन है, पंजाबी थे वो ना, वो ट्रेन में से उनको देखना जरूर है, स्टेशन पे उतरना नहीं है, उतर गए तो ट्रेन निकल जाएगी तुम्हारी, मतलब फोकस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, और कुड़िया भी लाहौर दिया, ठीक है ना, तो फिर तो वो ऐसी की तैसी फिर जाएगी, आपका फोकस खत्म, आपका लाइफ खत्म, आपकी एजुकेशन खत्म, लाइन ऑफ एक्शन जो बना के गए हो आप पहले वो तो अचीव कर लो, ठीक है ना, उसके बाद जो मर्जी करते रहो भाई, फिर वो आप जाने और आपका काम जाने। जज्बात पे कंट्रोल, हम पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं, उसने सलूक से, हेलो हाय से, सलाम दुआ से, प्यार मोहब्बत से, अच्छे जेस्टर्स देके, ये मतलब है ना, डाल है हाँ, मीठे बोल से, प्यारे बोल से। इसने जब सुबह आया था ये तो इससे माइक नहीं पकड़ा गया था, जबकि हम सब में बड़ा है, एज में भी, कद में भी, टोपी में भी ना, ठीक है ना,
मगर उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रुप वर्क में या ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके आए? इसी की आए ना। अगर मैं यहां पे आके खुद इसको स्टक है, छोड़ यार तुझे तो बोला ही यार, तो छोड़ यार, तुम बताओ यार, फिर तो उसकी लर्निंग तो रुक गई थी ना यहाँ पे, शायद उसके बाद ये बोलता भी ना, ऐसे ही होना था। मैंने कहा शाबाश बेटा बोलो, जो जहन में आ रहा है बोलो। दो दफा इसके पास पहुंचा, तीन दफा इसने खुद मुझे बताया ना, आप रिवॉर्ड दो, शाबाश, वेल डन, कीप इट अप। कभी आप ना वो विकेट कीपर्स की आवाज सुना करो कि सरफराज है, कोई भी है उनकी लैंग्वेज में ना, वो पूरा बैकअप कर रहे होते हैं टीम को ना, ठीक है। अब आजकल रिजवान देख लो आप, है ना, वो 24 रन भी उनका बॉलर उठा के कहते हो फुल डाउन, फुल डाउन, कोई मसला नहीं ना, क्या होता है आखिर में एक रन से जीत भी जाता है फिर वो, आपका मेंटल लेवल है ना, ठीक है ना। तो ये वो चीज है कि आपने रिवॉर्ड देना है, आपने उनको पनिश नहीं करना या उनके प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है। अनकंडीशनल लव क्या मतलब है? ना खत्म होने वाली है। अनकंडीशनल का क्या मतलब है? गैर मशरूत, बेलौस, बेलौस मोहब्बत ऐसे करता कौन है? सिर्फ मां का, अल्लाह का, अल्लाह तो खैर, मैं दुनियावी स्तर की बात करूं यार, अल्लाह तो खैर है ही है, अल्लाह रसूल तो है ही है, मां के अलावा कोई मोहब्बत नहीं करता। एक मां होती है बस, एक बात ये भी विचार हो सकती है ना, औलाद भी 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15, जितने कैपेसिटी के बंदे भी हो सकते, जितने जज्बात चलते हैं, ठीक है ना, मगर माँ एक होती है, वो अनकंडीशनल लव है उसका ना, माँ के अलावा कोई और लव नहीं आपको दे सकता, ठीक है ना। उसके बचपन से लेके वो कहते हैं ना कि वो एक रात टेम्पर चेंज करने की जो सर्दियों में उठकर वो जो उसकी प्रैक्टिस होती है, आप उसका बदला भी नहीं दे सकते, सारी जिंदगी जो मर्जी में कुछ कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अनकंडीशनल लव है, इमोशनल हमारा है ना। सो वी हैव एन एबिलिटी टू शो डीप लव एंड केयर अमंग अवर ग्रुप ऑफ कंसर्न, जो हमारे जान पहचान वाले हैं। आज मुझे इतना पता है कि आज मैं ऐसा बॉन्डिंग बना के जाऊंगा, अक्सर मैं रक्शे में, टैक्सी में, गाड़ी में कहीं बैठा हुआ होता हूं ना बच्चों से, नौजवान लड़के, जिस तरह अगर आप, आपकी एज की टैक्सी ड्राइवर है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं या पास आउट होने वाले बच्चे हैं, तो मैं अपना कार्ड दे देता हूँ, बेटा ये लेना, जब आप ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लोगे, डिग्री आप मुकम्मल कर लोगे, मुझे अपना सीवी भेज देना, मुझसे रब्ता कर लेना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने कंसर्न लोगों में, डिपार्टमेंट में भेज लूंगा, हो सकता है कि आप इंटर्नशिप पे आपको उसके ले लेंगे, जो भी आपका लाइन है, कोशिश तो कर सकता हूँ ना, मैं उनको वो एक वो लाइन तो दे सकता हूँ ना, क्योंकि मैं ओबलाइज करने वाला आदमी हूँ बाई नेचर ना, मैं नहीं जानता ना इनको, जानता हूँ ना इनको, हो सकता है कि आजकल मेरी आपकी मुलाकात ही ना हो ना जिंदगी, होगी तो होगी, कभी हो जाएगी, मगर रास्ता रहेगा, आप मुझे याद करा दो कि वो ट्रेनिंग में थे, मैं फोन पे बिल्कुल वेलकम करूंगा आपको, ठीक है ना। अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर, मदद तब है कि जज्बात, मेरे जज्बात को आप समझें, जो ना आप दोनों दोस्त हो ना, वैसे भी दोस्त हो ना, हाँ मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में रहते हो, हाँ मैंने कैसे अंदाजा लगाया था ये बात का, साथ तो बैठे हो आप ग्रुप वर्क के बाद, पहले तो आप वहां बैठे हुए थे, मैंने ऐसे अंदाजा लगाया था आपके तेरे में रहते, जब इसको लिखना नहीं आया था ना ग्रीन पर्ची पे, वो आपके पास गया था, वो इनके पास था, उनके पास तो नहीं गया था, ठीक है ना। वो खाने की डिलीशियस होने का जो भी सवाल बाकी है वो उसने लिखा था, मैंने पहचान लिया था किसने लिखा, क्योंकि वो मेरी तरह है ना, खाने का शदाई था, ठीक है ना। ये आपको बाउंडिंग पता होनी चाहिए, ये फीलिंग पता होनी चाहिए कि इसके दिल में, इसके दिमाग में क्या है, इसको पता चाहिए यार, मेरा यार, मेरा दोस्त किस फीलिंग में, किस परेशानी में, या किस खुशी में क्या चीज शेयर करना चाहता है। ये नौजवान की बिल्डिंग की बात हो रही है, ज़हनी बिल्डिंग की बात हो रही है, ठीक है। जब तक आपको एक दूसरे के जज्बात का नहीं पता, तो आप एक अच्छे बॉन्डिंग में नहीं है। जी ये पढ़ो,
What is your purpose of life as a Muslim? We can define the SQ in easy words. Special quotient, quotient, whatever. Carry. Behave with wisdom and sympathy. Wisdom means शऊर, हाँ, शऊर के साथ हमदर्दाना शऊर या हमदर्दी रखते हुए या एक पॉजिटिव सेंस रखते हुए, जी, विजडम और सिंपैथी क्या है ये हमारा बेसिकली स्पिरिचुअल पिलर है हमारे ना, रूहानियत के पिलर है। और विजडम जो है ना इतनी आसानी से नहीं आती, नॉलेज आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, सही के सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना? अच्छा चलो, अच्छा अच्छा, सिर्फ मैंने शुरू में बात की थी कि कितने लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में, 30-35-40-50 मेरे ध्यान में, 100-150 उसमें से नंबर वन, इससे बड़ा कोई नाम है सोशल डेवलपमेंट में, सोशल वर्क में, लेके चलने में, संभालने में, हाँ, खिदमत खल्क में, इंसानियत में, है डॉक्टर क्या, डॉक्टर रूथफॉर्म, हाँ डॉक्टर रूथफॉर्म, हाँ वो भी बहुत बड़ा नाम है। कल रात को कल बिलावल साहब वो जिना हॉस्पिटल में थे, उनका जो रिपोर्ट के जरिए शुरू हुआ है केदर ऑपरेशन, डॉक्टर अदीब का, अदीब रिजवी साहब का, वो भी अपने अपने सेक्टर के हैं, वो इससे इनकार नहीं है, मगर इनका दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विस नेटवर्क दुनिया का, हाँ द रिचेस्ट पुअर मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैंने खुद फॉरवर्ड का हुटा बिल्कुल एंड है, उसके बाद इंडिया शुरू हो जाता है, पशीन बिल्कुल एंड है, पहाड़ बिल्कुल एंड है, ठीक है ना, और लाड़काना और शिकारपुर एंड है, यहाँ पे जकरबाद एम्बुलेंस क्यों मौजूद होती है ना, और यतीम खाने का नेटवर्क सबसे बड़ा है, खाने पीने का नेटवर्क सबसे बड़ा है, तो एक ही बंदा पैदा होता है, वो खुद पानी से और सूखी रोटी से खाना खाने वाला आदमी, मगर उसने एक छोटी से एम्बुलेंस से, छोटे सिस्टम से, वो मेमन ग्रुप था मेरा ख्याल है, वो कौन सा मीठा दर है, खारा दर, मीठा दर में वो रहते थे, वो ग्रुप आया था गुजरात से और उन्होंने सेटअप शुरू किया, करते 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 शुरू में दो चार लोगों ने मिलकर किया, वो जो आप हारना शुरू हो गया कि हमसे नहीं होता हमसे नहीं, तो वो अकेला खड़ा हुआ और वो उसने बना दिया काम को ना, ठीक है। अगर हम 25-25% ये सारी चीजें अडॉप्ट कर लें अपनी लाइफ में, तो हम मैं बन जाऊंगा, मेरी मैं क्या हूं मेरी डेफिनेशन हो जाएगी, जब मेरी डेफिनेशन हम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो हम एक रोल प्ले करने के काबिल हो जाएंगे। रोल प्ले किस चीज का कर रहा है, तो हम समराइज कर लेते हैं सेशन को, जो ना बतौर नौजवान हमने रोल प्ले किसका करना है माशरे के अंदर, कि हम क्या हों, एक अच्छे इंसान हों, बारी बारी बताते जाओ, एक अच्छी सोच के मालिक हों, एक अच्छे मुसलमान हों, अच्छे दीनदार हों, स्पिरिचुअल हों, ठीक है, खिदमत खल्क का जज्बा हो, रूल एंड रेगुलेशन, कवायद और जवाब मैं प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने वाले हों, जी हेल्पफुल हों, आसानियां पैदा करने वाले हों, जी बेटा लोगों के साथ घुल मिल सकूं, आसानी से बात कर सकूं, जी बेटा मेच्योर डिसीजन ले सकूं, पहली वाली बात रिस्क टेकर हूं मगर मेच्योर डिसीजन भी हो रहा हो मेरा, जी बेटा क्या देख रहे, मैसेज तो नहीं आया उसका, काफी देर तूने मैसेज नहीं किया, हाँ
अपने नफ्स पे काबू करो, अपने नफ्स पे काबू करो ना बेटा, मुझे को बाद में कर लूंगा बेटा जी बेटा तुम क्या रोल प्ले करो, तुम्हारे लिए आसान सवाल, तुम जब बड़े हो गए तो तुम क्या क्या करना चाहते हो, क्या करोगे तुम माशरे में? आई वॉज इन क्लास, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर आई थिंक, हमने फर्स्ट ईयर में था तो डॉक्टर नूर साहब आए थे, सीनियर प्रोफेसर थे निश्चल मेडिकल कॉलेज के, हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलोनी में रहते थे मुल्तान यूनिवर्सिटी में ना, रात को ईशा की नमाज हुआ तो गश्त होता है तबलीगी ग्रुप जमात में, तो वो प्रोफेसर अंकल लेकर आए थे, तो मैं और मेरा छोटा भाई भाई निकले 8:30 बजे का, ईशा के बाद का टाइम था, मैंने कौन मौलवी आ गए क्या, मैंने कोई केयर नहीं की, कोई बहुत ना मुझे नहीं पता ये कौन है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और डैडी के दोस्त हैं, मुझे पता ही नहीं था। फिर बाबा बेटा बाबा के जा रहे हैं, डैडी अंदर है, डैडी ने बता ये रखते थे तबलीगियों से ना, तो मुझे भी पता है पीछे जो अंकल हैं कह रहे शाह साहब को बुलाए ना, उन्होंने दूसरे नाम पढ़ लिए डैडी के नेम प्लेट, और वकास छोटा भाई बुलाने लेके इंदामीन भाई, उन्होंने मुझसे सवाल किया बेटा क्या बनना चाहते हो ना, मैंने कहा वैसे लपंटरा जवाब दे दे दूल्हा बनना चाहता हूँ, आई गई बात खत्म हो गई। अगले दिन सुबह डैडी ने मेरी क्लास ले ली, क्लास के अरे लितर मार के क्लास ली ना, तुमको पता है रात को कौन आया, मेरे उस्तादों की जगह बंदा है डॉक्टर नूर है, तबलीगी का बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर है बहुत बड़े ना, तुम उनको कह रहे हो कि जो है ना तुम बड़े होकर दूल्हा बनना चाहते हो, तुमको कोई और जवाब नहीं सूझा, तो ये हमारी इंटरनल एक इनर एक चीज होती है जिसको तब्दीली की बात होती है, तब्दीली इमरान खान जो कह रहे हैं ना वो तब्दीली की बात है, हमने अपने आप को चेंज करना है, हम अफराद के हाथों में है अक्वाम की तब्दील, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितार, हमने अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को नमरूद वक्त ने जलाने की कोशिश की थी, नाउज़ुबिल्ला, ठीक है, आग लगा के दो अबाबील जैसे परिंदे ऊपर से गुजर रहे थे, एक ने बड़े जोश से पूछा कि नीचे क्या हो रहा है, तो दूसरे परिंदे ने मायूस ऐसी करेक्शन कर दीजिएगा मेरी आप दोनों ना, कि उन्होंने कहा कि ना नीचे पैगंबर वक्त को जला दिया जाएगा, पहले ने फिर जोश में पूछा पहले परिंदे कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कह रहे समंदर का पानी भी आए तो ये आग नहीं बुझा सकता, दूसरा मायूसी से बोलता है, पहला बोलता है कि आओ अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं, अपने दिया अपने चोंच से पानी उठाते हैं उसमें डालते हैं, ये रोल हमने प्ले करना है, मेरा किरदार क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं मौशरे में अमन के खातिर मैं क्या कर सकता हूं, वो मैंने करना है, मैंने तनाजात खत्म करने के लिए क्या रोल प्ले करना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं फौज में हूं, ना मैं पुलिस में हूं, ना मैं किसी वो लॉ एजेंसी में हूं, मैं किसी में भी नहीं, मगर मैं इस तरह के 20 बच्चों में शऊर पैदा कर सकता हूं, और ये 20 बच्चे अपने कम से कम भी अगर ये 10 लोग बैठे हुए हैं, ये 10 अगर 10 को भी जाके बोलेंगे तो मेरा पैगाम डायरेक्टली 10 लोगों को गया, इनडायरेक्टली 100 लोगों को चला गया, ठीक है ना, 2.5 घंटे का पैगाम हम 8 घंटे में तो पहुंचा ही देंगे ना, जब आप 10 लोग समझेंगे तो यार मुझे तो मेरा दोस्त आया था वो 10 मिनट तो बताएगा ही बताएगा ना, आगे 10 लोगों को जाकर अगले 3-4-5 दिनों में 1000 बंदों तक ये हो ही जाएगा ना, ठीक है ना, कोई अहम कोटेशन या कोई अहम चीज निकल जाएगी तो मेरा मकसद, मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, शऊर देना, अवेयरनेस देना, इल्म देना, सुबह आसिफ भाई यही कह रहे थे ना कि हम यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे फिर आपके मदारिस में आएंगे, फिर आपके इंस्टीट्यूट्स में आएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, मजीद सेशंस करेंगे, मजीद तरीके अडॉप्ट करेंगे और चीजों को और बढ़ाएंगे, ऐसी बात होगी ना सुबह सुबह, यही वही चीज है जी। आखिरी बात, जब तक उधर से इशारा ना आ जाए हसीब की तरफ से, मुझे बताएं कि क्या सीखा आपने इस चीजों से, हमने किस किस चीज से बात की है, मैं कौन हूं, ये तो आखिर में बात की है, फिर उसे बताओ, हाँ नौजवान क्या है,
क्या बताओ ना। अच्छा एक चीज, नौजवानों का किरदार मुस्बत और मनफी किरदार, मस्बत और मनफी किरदार, ठीक है। और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम पे बात हुई, बात हुई। और किसे बात बात हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं। कैरेक्टराइजेशन, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। किरदार साजी पे बात हुई है। झगड़े माशरे में क्यों होते हैं, गुस्से की वजह से होते हैं, तनाव की वजह से होते हैं, ज्यादा जज्बात की वजह से हो जाते हैं, ठीक है ना। उनको कंट्रोल करने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा था, हम खुद ही। सबसे पहले तो हम खुद, अपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमारी खुद की होती है। वैसे तो बड़े बूढ़े और कुरान और हदीस और दीन तो नहीं, ये ऐसे तो नहीं कहता ना कि जब खुद जब रात को लेटने जाओ तो अपने सेल्फ असेसमेंट खुद करके सारा दिन क्या खोया क्या पाया। कितने मिनट लगेंगे, 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट लगेंगे बस। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और वजीफा पढ़ के और फुल पढ़ के दुरूद पढ़ के जब जाने लगो, जब तो पूछ लो यार, सुबह में 6:30 बजे उठा था मैं, ऑफिस गया था यार, वो खाले साहब से बदतमीजी हो गई थी, उन्होंने वो किया था, मुझे ये करना चाहिए था। मुझे एक जस्ट एक रिव्यू करना है ना अपनी लाइफ का, जब आज का आप रिव्यू करोगे जाके, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई स्लाइड आपके जहन में आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये वो मेरे जहन में जो है ना, हो सकता है इनकी पर्सनैलिटीज आ जाए, होता है उसकी पर्सनैलिटी आ जाए, मीडिया साइंसेस भी कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रहे हैं और दस निजामी भी कर रहे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है ना। मैंने तो शायद शौक में रख लिया है, जो आप लोगों ने रखी हुई है ना, इसको मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है कि आपने तो कभी शेव भी नहीं की हुई, हमने तो शेव दाढ़ी जो हर की क्लीन शेव नहीं शुरू किया हमने ना, बुढ़ापे में ही रखी। मगर आज के दौर में इस चीज को मेंटेन करना छोटी मोटी बात है। जी इसके बाद क्या पढ़ा हमने, हाँ पीस, पीस क्या था भाई, पीस किस तरह आया, किस तरह आया। हम दूसरे की फीलिंग्स को समझें, दूसरे की फीलिंग को समझें। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जी बोलो बेटा। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्रों में है, रिव्यू हो रहा है। हाँ बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्रों में ही है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। जी और क्या बात हुई, कॉमन चीजों पे बात होनी चाहिए, क्या कह रहे हो, इंसान की बात बात होगी, तनाव में रहना चाहिए, माशरे में रहना चाहिए, अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। क्यों लड़ते हैं भाई, उसको उस पर बात होंगे, लड़ते हैं तो झगड़ा पैदा होता है, झगड़ते हैं तो तनाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है तो फिर मोहल्ले से लेके इंटरनेशनली ना ईरान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका का झगड़ा ही पैदा हो जाता है। मोहल्ले के क्रिकेट की बॉल के ऊपर, बल्ले के ऊपर फड्डा होता है ना, तो वो मेरा बेटा मुझे परसों कहता है, बाबा वो हसन जो ना मेरी बॉल लेके चला गया था ना। मैंने कहा बेटा अपना झगड़ा खुद ही निपटा, मुझे क्यों शामिल कर रहे हो जाना। फिर बाबा ये तो बड़े अफसोस की बात है, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते ना। पता ही चला कि उसकी माँ ने उसको हसन को डांट चुकी है शाम को ना, खत्म रिजॉल्व हो गया। मैं क्यों जाऊंगा भाई, वो जीरो से शुरू होता है तो फिर वो अफगानिस्तान अमेरिका के मसले का भी जाता है। उसको रोल प्ले करने में, वो खुमैनी साहब ने कहा था ना कि मेरे इनकलाब के पीछे ना इकबाल की शायरी और नौजवान का किरदार था जो ना, जब वो जा रहे थे जलावतन हो गए, कहते मेरा जो इनकलाब का जो जरिया होगा ना वो भी माओ की गोद में, जब 20 साल के बाद वापस आए तो वही एक यूथ रेडी थी, वो वजह बनी इस्लाम की, वो वजह बनी इंकलाब की, और आज वो चेंज आया, बिग चेंज आया, ठीक है। और कोई ध्यान में कोई सवाल है तो बताओ, खत्म करें। हाँ चलो अपने लिए तालियां बजा लो यार।